हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जैज क्रिएशंस। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आज फिर से एक बहुत ही लजीज रेसिपी होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी शामी कबाब बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। उसके अंदर अब मैं यहाँ पर एक बाउल जो है ये चने की दाल है ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैंने दाल जो है ये भिगो करके जो है डाली है। आप जो पहले दाल को भिगो दें आधा घंटा पहले भी तो वो दाल इसमें जो है जल्दी गल जाती है। इसलिए अब एक बाउल जो है यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको मैंने इस तरीके से काट लिया, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दो मीडियम साइज का आलू लिए हैं मैंने, उसको मैंने इस तरीके से काटे, ये मैंने कच्चा ही लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम आधा छोटा चम्मच जो है काली मिर्च का पाउडर ले रहे हैं। एक चम्मच के करीब हम मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। आधा छोटा चम्मच यहाँ हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसमें हम एक बड़ा चम्मच जो है जीरा पाउडर डालेंगे। एक बड़ा चम्मच यहाँ पर जो है हम चाट मसाला डाल रहे हैं। एक चम्मच जो है यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और एक चम्मच जो है हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक डाल सकते हैं, जितना आपको नमक चाहिए। इसमें मैंने एक चम्मच इसमें करीब नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा पानी लेंगे, इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, थोड़ा ही पानी लेना है। और उसके बाद में आपने जो है इसको जो है थोड़ा सा हिला करके और फिर जो है आपने इसको बंद कर देना है। इसमें जो है बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा वरना जो है बहुत ही लिसलिसे से जो है कबाब हो जाएंगे। तो इसलिए आपको जो है पानी की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही संभल के डालनी है। इसमें मैंने आधा गिलास के करीब भी पानी नहीं डाला, उससे भी कम डाला है। अब हम जो है इसकी लिड जो है वो लगा देते हैं और जो है हम इसको जो है एक सीटी तक आने तक पकाएंगे हाई फ्लेम पर। और उसके बाद में हम जो है 15 से 20 मिनट तक हम इसको जो है लो फ्लेम पे पकाएंगे। एक सीटी आ जानी है, उसके बाद में फिर जो है लो फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो अब इसमें ये जो है एक सीटी आने के बाद हमने जो है इसको 15 से 20 मिनट तक और पका लिया था हल्की आंच पे। हम इसको खोल के देख लेते हैं चिकन को। ये देखिए, ये इस तरीके का ऐसा आपको ये दिखेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल चिकन भी पक गया है, आलू भी पक गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है अच्छे तरीके से मैश कर लेना है मथनी से एकदम बिल्कुल जो है, ताकि जो है और चिकन को भी हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पका लेना है। तो देखिए, आपने इसको इस तरीके से ऐसे मैश कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि ये जो है बिल्कुल इसके अंदर ये चिकन एकदम मिक्स हो जाए। आप चाहें तो जो है इसको जो है मिक्सी में भी आप जो है मिक्स कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर ग्राइंड कर सकते हैं। मैं इस तरीके से मथनी से ये कर रही हूँ तो ये और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देता है। हालांकि वो भी टेस्ट अच्छा देगा, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, एक छोटा चम्मच जो है हमें इसमें आमचूर पाउडर का डाल रही हूँ और थोड़े से मैं इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसको डाल के हमने जो है मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। आप इसको मिक्स कर दें और उसके बाद में आप इसको एक बाउल में निकाल लीजिए, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। हाँ जी, तो अब हमारा ये मिक्सचर जो है ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये जो है ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज है उनको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा जो है बारीक चॉप कर लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और एक बाउल मैंने यहाँ धनिया पत्ते लिए हैं, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च जो है ये ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च आप जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा, जितना आपको जो है तीखा पसंद हो उस हिसाब से। और उसके बाद में अपने हाथों की मदद से आप इसमें जो है इसको मिक्स कर दीजिए अच्छे तरीके से। अब हमने इसको हाथों की मदद से जो है बिल्कुल जो है ये सारा प्याज हरी मिर्च और जो है जो हमने धनिया डाला है उसको हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग इसकी टिक्कियां बना लेंगे। अब जो है टिक्कियां जो है जैसे भी आपने जो है कबाब का जो भी साइज आपने बनाना हो वो आप बना सकते हैं। आपने जो है इस तरीके से ऐसे आपने लोई बनानी है और आपने जो है ये इस तरीके से आपने ये टिक्की आपने बन के ये बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैंने इसमें जो है इसके कबाब जो है बना लिए हैं। ये देखिए, अभी मैंने इतने बनाए, आप इस जितनी क्वांटिटी थी उसमें आप जो है 15 से 18 आपके आराम से जो है कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। तो अब हम इसके लिए एक कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो अब कबाब को फ्राई करने के लिए हम जो है एक कोटिंग बना रहे हैं, उसके लिए मैंने इसमें एक अंडा लिया है और थोड़ा सा मैंने जो है नमक लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा जो है दूध ऐड कर रही हूँ और जो है इसके अंदर हम थोड़े चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आपने इसको मिक्स कर लेना है, एक स्लरी सी बना लेनी है। आप चाहें तो अंडे की भी ये बना सकते हैं या फिर जो है आप इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना सकते हैं और उनमें आप कोट करके आप इनको फ्राई कर सकते हैं कबाब को। तो अब हमने जो एक पैन लिया है, पैन में हमने तेल गर्म कर लिया है और अब जो है हम ये कबाब ले रहे हैं और इनको हमें इसमें इस ये जो स्लरी हमने बनाई है इसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद में हम इसको इसके अंदर
फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही हमें सारे कबाब जो है वो फ्राई कर लेने हैं। तो अब ये जो है एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, दूसरी तरफ से भी हमें इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, जब तक ये थोड़े से कुरकुरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपने इनको पका लेना है। तो लीजिए अब हमारे ये शामी कबाब बनके हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आप भी इस लजीज कबाब को आप बनाइए जरूर, अपनी फैमिली के साथ आप इसे इंजॉय करिए। इसको आप जो है रुमाली रोटी के साथ, लच्छे पराठे के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।